तो आप सबका बच्चों एक बार स्वागत है। हम लोग ओ लेवल के बैच का आज एक इंट्रो क्लास लेने जा रहे हैं। ओ लेवल जैन 2022 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं या जो शुरू होंगे, उसका आज पहला लाइव सेशन है। आपको बता दें, आज के बैच में आपको भरपूर जानकारियां मिलेंगी, काफी सारी चीजें, जो कि खासकर उन बच्चों के लिए तो ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगी जो पहली बार ओ लेवल में एनरोलमेंट करके आए हैं, ओ लेवल पढ़ना चाहते हैं। तो पूरा का पूरा कैसा सीन होगा, कैसे ओ लेवल आप क्वालिफाई करेंगे, कोशिश हम लोग ये करते हैं बच्चों की ओ लेवल का जो कोर्स 1 साल का इंस्टीट्यूट कराता है, हम लोग चारों पेपर्स 6 महीने में खत्म करा के 6 महीने में ही उसे फिनिश कराते हैं। और ये चीज सही भी है, और आप लोग इसका प्रूफ जस्टिफाई कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट्स आपको उसमें मिलेंगे जिन्होंने 6 मंथ में ही से क्वालिफाई किया है। लेकिन अगर आप लोग कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो भी आप लोग दो दो करके पेपर देंगे तो बड़े आराम से आप अपना ओ लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। पहले तो पूरा ओ लेवल के बारे में समझ लीजिए, क्या है, कैसा करना है, सब कुछ A to Z। आप लोगों को सबसे पहला काम तो ये करना है, क्योंकि अभी ये जो लाइव क्लासेस या डेमो क्लासेस देख रहे हैं, ये आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप और बड़े आराम से इसे ज्वाइन कर पा रहे हैं। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, ये पेड क्लासेस हैं। आप लोगों को सबसे पहला ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर से आप जाइएगा, आईसीई एकेडमी बाय मिनेश के नाम से मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन में सबसे नीचे यहाँ पर चैट सेक्शन आपको दिखेगा। पहले तो आप कोर्स बाय कर लीजिएगा, स्टोर सेक्शन पे जाइएगा। स्टोर सेक्शन में आप लोगों को 4 कोर्सेस मिलेंगे, मैं आपको पूरा बता देता हूँ बच्चों का कंफ्यूजन खत्म हो। बच्चों पहली चीज, आपके ओ लेवल के जो 4 पेपर है उनका नाम है M1, M2, M3 और M4। M1 का M का मतलब होता है मॉड्यूल, और इनके आगे R5 लगा मिलेगा, ये रिवाइज सिलेबस 5 है। अब आपको बता दें, पुराना R4 खत्म हो गया है, अब आपको A to Z सारा का सारा रिवाइज सिलेबस 5 ही मिलेगा। तो M1 का कोड आपका बन जाएगा M1R5, M2R5, इस तरीके से। क्लियर हो गया? अगर किसी को कुछ ना समझ आए बीच में, तो मैं बीच में आपको बोलूंगा, आप अपने स्पीकर्स ऑन करके मुझसे सवाल पूछ पाएंगे। तो ये 4 पेपर आपको देने होते हैं, ये तो आपको देना ही देना है, प्लस इसके साथ एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा आपका, जनवरी में ही होगा बच्चों, अगर आप 4ों पेपर भरते हैं, और प्लस एक प्रोजेक्ट भी होगा। ये चीज सारी चीजें आप लोगों को ओ लेवल के पास करने के लिए जरूरी होती हैं। तो मैं आपको एक एक करके सब पहले बता दूं कैसे करना है। आप ऐप में M1R5 डालेंगे तो आपको M1R5 का ये वाला पहला पेपर मिल जाएगा, जिसकी हम लोग अब क्लास शुरू कर रहे हैं। M1R5, इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस सिस्टम और नेटवर्क बेसिक, सॉरी। आप इसे बाई कर सकते हैं, नीचे ही आपको 410 रुपये दिख भी रहा है। और आपके लिए बेनिफिट ये है कि इसमें कूपन भी चल रहा है इस समय, तो आप लोग इस कूपन पे जाएं व्यू ऑल पे और देखिए 20% का डिस्काउंट है, आप अप्लाई करें और लीजिए। आपका कूपन अप्लाई हो गया, और कूपन अप्लाई होने के बाद आप लोगों की जो टोटल फीस है वो 328 रुपीज हो गई। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है, याद रखिएगा। 328 में एवरीथिंग है, एवरीथिंग का मतलब है आप लोगों को इसमें सब कुछ मिलने वाला है, सारी क्लासेस मिल रही हैं, देखिए पूरी की पूरी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं इसमें, A to Z 85 क्लासेस, यानी A to Z सारी क्लासेस ऑलरेडी पहले से हैं जो हम लोगों ने लाइव लास्ट सेशन लिए थे। उसके साथ आप लोगों को इसमें ई नोट्स पूरे मिलेंगे, जिसमें आप हिंदी इंग्लिश ये सारे नोट्स इसमें अवेलेबल है। साथ ही साथ लास्ट ईयर के पेपर्स भी हैं, प्रैक्टिस सेट भी है, और गेस्ट पेपर आपका दिसंबर में आएगा, वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस जो लाइव सेशन चलेंगे आप लोगों के डाउट और लाइव सेशन, वो भी इसमें इंक्लूड है, तो इससे सस्ता नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। तो ये तो हो गया आप लोगों का पहला पेपर। सेम आप लोगों का दूसरा पेपर आपको यहां मिल जाएगा M2 का। M2 डालिएगा, ये देखिए M2R5 मिल जाएगा। M2R5 का क्लासेस थोड़ी लेट होंगी, लेकिन पहले M1 की क्लास चलेगी, और इसके साथ साथ इसी के 2-4 या सप्ताह के अंदर ही मैं M3 की क्लास भी शुरू करूंगा, जिसे हम लोग कहते हैं पाइथन। मेरा ये मानना है कि आप लोग ये पेपर M1 बहुत इजी है, M1 बहुत इजी का मतलब है ये मात्र आप लोग 20 से 25 दिन में फिनिश कर लेंगे। M3 का पेपर आपका टफ है, तो एक इजी और एक टफ लेके चलेंगे हम लोग। तो जिनको 2 पेपर देने हैं वो ऐसे दे दें, जिनको 4ों देने हैं तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं, आपको 4ों पढ़ने हैं, 4ों देने हैं। तो अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो पहला आसान और तीसरा वाला थोड़ा टफ ले लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट सेशन आपका जुलाई में आए, जुलाई 22, तब आप M2 दे दें और M4 दे दें। उस केस में M2 थोड़ा सा टफ होगा, M4 इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप मेरे से बोलते हैं कि सर हमें 4 में से सबसे इजी और सबसे टफ इस तरीके से कैटेगराइज कर दीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ ये 4 पेपर्स में सबसे आसान पेपर पहला वाला है। उसके बाद सेकेंड नंबर का जो आसान है वो ये है,
और उसके बाद जो थर्ड नंबर का आसान है वो ये है, और ये वाला थोड़ा सा, या यूं कहिए सबसे इन चारों में से टफ है। तो आप लोगों को अब टफ और इजी कौन सा है, सिलेबस कौन सा छोटा है, ये सब क्लियर हो गया हो। दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर हम अलग अलग पेपर ना भाई करें, तो उसके लिए एक सबसे आसान है, आप ऑल इन वन करके ढूंढिए। यहाँ ऑल इन वन करके इसमें एक कोर्स मिलेगा आपको, जो कि आपके एप्लीकेशन पे है, जिसमें कि ये सारा का सारा चारों पेपर एक साथ हैं इसमें, M1, M2, M3 और M4। तो ये आपके लिए और इजी हो जाएगा, सारे पेपर एक साथ ले लीजिए। और अगर आप इसके कंटेंट पे जाएं तो आपको चारों के अलग अलग फोल्डर्स दिखेंगे। सिलेबस में बच्चों कोई डिफरेंस नहीं है, चारों का सिलेबस जो अलग अलग लेते हैं या सिंगल लेते हैं, सबका एक साथ एक जैसा ही होता है। मैं जो यहाँ अपडेट करता हूँ वो वहां पर भी अपडेट करता हूँ। और सबसे बढ़िया चीज है, इसका ऑफर भी है, आप लोग देख रहे होंगे 1847 है, 20% कूपन अप्लाई करिए और पूरा का पूरा ओ लेवल का आपका ये कोर्स देखिए 1477 में, इंक्लूडिंग लाइव क्लासेस के साथ है ये। तो आपको गेस्ट पेपर भी इसमें मिल रहा है, तो सब कुछ आपके लिए सबसे चीपेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको पहला काम तो ये करना है, आपको ये कोर्स ले लेना है। दूसरी चीज, कोर्स आप लोगों ने ले लिया, कोई इशू नहीं है, कोर्स को बाय करने में कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर इसमें बीच बीच में, मैं आपको टाइम दूंगा, आप अपना क्वेश्चंस और क्वेरीज ले लेंगे। जिन लोगों ने कोर्स पहले से बाई कर रखा है उनके लिए भी क्लासेस अवेलेबल हैं। आपको ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाई कर रखा है तो ये क्लासेस उनको नहीं मिलेंगे, जिन्होंने भी पहले से भी ले रखा है कोर्स उनके लिए भी अवेलेबल है। दूसरी चीज, अब जब नेक्स्ट सेशन आपके आएंगे तो आपको जो लिंक मिलेगा वो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो चैट का है, वही चैट पर आपको जाना होगा। याद रखिएगा, अगर आपने M3 बाई किया है तो M3 की लाइव क्लास का आपको चैट में मिलेगा। तो आपको यहाँ पर नाम दिखाई देगा मेरा, आप उसे क्लिक करिए और देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा आप लोगों को लिंक दिखाई देगा। जूम का लिंक है आपके पास, अगर लैपटॉप पे चला रहे हैं तो आप आईडी पासवर्ड यहाँ से डाल सकते हैं, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो जब भी नेक्स्ट क्लास होती है आपको लिंक आ जाएगा आपके चैट पर, आप यहाँ से देख लेंगे। और मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि जो आपका मेन नोटिफिकेशन बार है इस पर भी मैं आप लोगों का ये जो सेंटर पे है इस पर भी आपकी डेट डाल दिया करूंगा कि आपका नेक्स्ट लाइव क्लास कब होगी। ऑलमोस्ट क्योंकि हमारी एक क्लास चलेगी M1 की, फिर एक चलेगी M3 की, इस तरह के रैंडम क्लासेस चलेंगी, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबको समझ आ गया, ओ लेवल में चार पेपर पढ़ने हैं। हाँ, अब उसके बाद बात आती है प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट की। प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट के लिए भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, क्योंकि अब आपका प्रैक्टिकल सिर्फ आप लोगों का R5 का ही होगा, तो आप लोगों को पूरा का पूरा R5 का प्रैक्टिकल मिलेगा। और मैंने इसमें आप लोगों के लिए इस बार के सारे क्वेश्चन पेपर सितंबर के यहाँ पे देखिए अपलोड कर रखे हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में होता क्या है बच्चों, एक इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको वहां पे मिलता है। आप ये क्वेश्चन पेपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये ओरिजिनल पेपर है आपका, ये आपको अभी नेलेट की साइट पे भी नहीं अपलोड होगा। तो ये ओरिजिनल पेपर हम लोगों ने बच्चों से मंगा लिया, और पेपर वहां पे आपको घर ले जाने को भी नहीं मिलता है, तो ये आपको मिलेगा ही नहीं है, आपको सिर्फ ऐप में अवेलेबल है। तो ये पेपर्स आप लोगों को वहां पे मिलेगा, इसमें चार क्वेश्चंस होंगे और आपको तीन क्वेश्चन कंप्यूटर पे करके दिखाने होंगे। ध्यान रखिएगा, मैं इसका भी गेस्ट पेपर देता हूँ और जो मैं देता हूँ वो टू द मार्क होता है। आप अगर पूरे साल भर नहीं पढ़ते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही गेस्ट पेपर अपलोड हो आप अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए गेस्ट पेपर से। तो आप बिल्कुल भी उसको नेगलेक्ट नहीं करिएगा, ये दी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गेस्ट पेपर जिस सोर्सेस से आते हैं मैं कॉन्फिडेंटली ये श्योरिटी करता हूँ कि मेरा पेपर 90% एंड अबव आपका क्वेश्चंस कवर करता है आपके क्वेश्चन पेपर्स का। आप देख पाएंगे जब मैं गेस्ट पेपर दूंगा, उसके बाद एग्जाम देने जब आप जाएंगे बच्चों के कॉमेंट से ही क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल क्वालिफाइंग, आखिरी में बचेगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों, प्रोजेक्ट की फीस जो है नॉमिनल सी है, जैसे इस समय देख रहे होंगे 574 रुपीज फीस चल रही है। आपको प्रोजेक्ट की टेंशन लेनी ही नहीं है, भले आप डायरेक्ट हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो। प्रोजेक्ट के लिए आप बस फी पे करेंगे, अपना एडमिट कार्ड पे करेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना। प्रोजेक्ट की सिरदर्दी हमारी है, मैं आपका प्रोजेक्ट बनाऊंगा और यहाँ से आपका प्रोजेक्ट नेट के थ्रू या नेट को मैं सेंड भी कर दूंगा। मेरे पास मोर देन 1000 प्रोजेक्ट्स हैं और मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट्स बनाकर यहाँ से सेंड कर दूंगा, वो डिपॉजिट भी हो जाएंगे। और इन सब काम करने के लिए 7-8 दिन का टाइम लगता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ये चीजें आप लोगों को नेट पे अवेलेबल हैं, आप लोग इस ऐप से जाकर चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर आप लोगों का ओ लेवल ऑलरेडी चल रहा है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि किसी इंस्टीट्यूट से चल रहा है, या फिर आप लोगों का ओ लेवल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी बच्चे की फादर्स की नेम की स्पेलिंग गलत है, कहीं कुछ और गलतियां हैं करेक्शन करना है, और भी ऐसी ना जाने क्या प्रॉब्लम है, तो आप फिर से अपना एप्लीकेशन ओपन करिए जो कि आप लोगों को दिया गया है,
और इसके स्टोर सेक्शन पे ऊपर डालिए इन्फो। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये मान के चलिए कि मेरे पास दिन में कम से कम कुछ नहीं है तो 10 से 12 कमेंट और कम से कम 6 से 7 फोन सिर्फ इस टॉपिक के आते हैं कि हमें ओ लेवल में ये प्रॉब्लम आ गई है। तो देखिए ये इन्फो अगर आप डालेंगे स्टोर सेक्शन पे, तो इन्फो डालने के बाद आपके स्क्रीन पर ये इस तरीके से खुलेगा। ये 1 रुपए का है, सिंपल सा, और इसमें आपको वो सारा कंटेंट मिलेगा जिससे आपको जरूरत पड़ेगी जब कभी आपकी प्रॉब्लम है। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, रजिस्ट्रेशन कैसे कराने हैं, साथ ही साथ आप लोगों का दूसरा कि अगर आपका डैशबोर्ड नहीं बन पा रहा वो कैसे बनाएंगे, पेपर लॉक कैसे करेंगे, पूरा का पूरा फीस गलत हो गई है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, सिग्नेचर नहीं आपका वेरीफाई हो रहा, एग्जामिनेशन सेंटर कैसे चेंज करना है। अगर आप इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हैं और आपको इसे डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो वो क्या प्रोसेस है, साथ ही साथ आप लोगों का अगर करेक्शन कराना है वो कैसे तरीका हो सकता है, सब कुछ है इसमें A to Z। ओ लेवल से ए लेवल अपग्रेड कैसे किया जाए, सभी कुछ आपको मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया चीज इसमें क्या है, आपके जितने सर्टिफिकेट या फॉर्म होते हैं जो NLET कहता है ये भर के भेजिए, जैसे करेक्शन का फॉर्म है तो आप यहाँ क्लिक करिए, ये करेक्शन फॉर्म आ जाएगा, आप इसे ऐप से डाउनलोड करके आप अपना करेक्शन करवा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी इसमें। ये देखिए डायरेक्ट में कन्वर्ट करने का पूरा ऑप्शन दिया गया है, तो आप इस तरीके से ये सारा का सारा इस पर्टिकुलर जगह से आप लोग ले सकते हैं, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आपको बता दूं, करेक्शन का तो ये खैर है ही, पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा, और एक करेक्शन से जुड़ी हुई एक और इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई, और वो ये है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने फोटोज गलत कर दी होंगी या फिर नाम में गलत कर दिया होगा, तो NLET उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रेक्टिफाई करने को आपको बोलता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रही, इस एनेक्सर को ध्यान से देख लीजिए। चेंज इन रजिस्ट्रेशन डिटेल सच एज नेम, फादर्स नेम एक्सेट्रा मेंशन इन टेबल 3। टेबल 3 में आप क्या क्या चीजें दिखा रहा है, अगर आपकी फोटो गलत बन गई है, थंब इंप्रेशन गलत है, सिग्नेचर गलत हो गया है, नाम की प्रॉब्लम हो गई है, फादर्स मदर्स नेम या एड्रेस, इन 7 में से कोई भी चीजों में आपकी कोई गड़बड़ी हो गई है, तो आप लोगों को ये टेबल 3 के अंतर्गत आने वाला आप करेक्शन करा सकते हैं। आपको इतना रुपया पेमेंट करनी होगी और साथ ही साथ एनेक्सर 3 इसी में दिया हुआ है वो भर के भेजना होगा ऑनलाइन। क्लियर? लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग नहीं जानते, दिस फैसिलिटी फॉर करेक्शन इन 7 पर्टिकुलर मेंशन इन टेबल 3। ये जो टेबल 3 मैंने आपको दिखाया इसमें ये जो 7 चीजें आपको दिखाई है इनमें विल बी अवेलेबल टिल 1 वीक बिफोर द कमिसमेंट डेट ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन of the level which the candidate has been registered। मतलब समझ आया? आपका ये correction form जो है, ये आप लोगों के exams जो पहला exam आप देंगे, उसके 1 सप्ताह के पहले पहले आपको करवा लेना है। ये नहीं कि आपने exam lock कर दिया, exam भी दिया और फिर आपने कहा मेरा name change कर दो, मेरा photo change कर दो, ना। NLET जानता है कि लोग बहुत धोखाधड़ी करते हैं, अपने भाई को बैठा के पहले exam दिला दिया, उसके बाद फिर एक करेक्शन फॉर्म भर के भाई की जगह अपनी फोटो डाल दी, पापा मम्मी तो वही है, और अपने नाम चेंज करा दिया, लीजिए हो गया, या तो नाम भी उसी का रखा। तो ये सारी चीजें बड़ा ध्यान रखने वाली है, तो आप लोग इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि करेक्शंस आप लोगों का अगर गलत है तो एग्जाम्स के पहले पहले हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर क्या फायदा, आपका गलत सर्टिफिकेट ही प्रिंट होकर आएगा। क्लियर? और बाकी इससे जुड़ी हुई मैंने सारे वीडियो सब कुछ आपके इसी पर्टिकुलर कोर्स में अपलोड कर रखे हैं, तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। तो ये तो हो गई बात मैंने जितनी अभी आपको बताई। अब आप में से कोई भी स्टूडेंट जो मैंने बताया है, इनमें से किसी भी टॉपिक से, बात मैं मेरी ध्यान से सुनेगा, इनमें से किसी भी टॉपिक से कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप अपना हाथ रेज करिए और फिर मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ, फिर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ता हूँ। अनूप पाल का सवाल है। अनूप, अपने स्पीकर ऑन कर लीजिए। जी सर, हेलो। हाँ अनूप, बताइए। सर मैंने M1 वाला कर लिया है, तो उसके साथ जनवरी 3 महीना बचा है, तो मैं कौन कौन सा मतलब ले चल पाऊंगा, अभी हमको कुछ आता नहीं। तो आप पहले M1 वाला तो फिनिश कर लीजिए, और मैं आपको उसके साथ सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कम पढ़ना चाहते हैं, कम का मतलब है आप ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, तो मैंने आपको बताया M1 ले लीजिए और M4, ये दोनों इजी है, सबसे इजी है। जी सर। और ये आराम से आपके, अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो 2-2.5 महीने में आराम से खत्म हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं तो M1 के साथ M3 ले लीजिए, जैसा मैंने बताया, पाइथन। जी सर, एक वीडियो में सर आप बताएं। तो इससे एक बेनिफिट मिलेगा। वैसे अगर आपके पास टाइम है, देखिए मैं आपको पूरा पूरा एक समरी बता देता हूँ, इसको क्रैक करना कितना आसान है।
मैं आज की डेट से कैलकुलेट करता हूँ, आज है 1 अक्टूबर, हमारे पास पूरा अक्टूबर है, ठीक है, अक्टूबर है, पूरा नवंबर है और दिसंबर है, और लगभग 10 से 15 या मान के चलते हैं 10 जनवरी को एग्जाम है। तो अगर मोटा मोटा देखें तो 100 दिन है हमारे पास पूरे पूरे, ठीक है, 100 दिन का आपका टाइम है अगर आज की डेट अगर आप लोग जोड़ते हैं तो। अब ये 100 डेज में आपको ये क्वालिफाई करना है 4 पेपर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दिन में 2 वीडियोस फिनिश करिए, 2 वीडियोस क्लासेस फिनिश करिए। एक वीडियो क्लास जो है वो 30 मिनट्स की होती है, यानी अगर मोटा मोटा देखें तो आप लोगों के 1 घंटे का टाइम आपको रोज देना है, ठीक है। अगर आप 2 वीडियोस देखते हैं तो 100 दिन में आपके लगभग 200 वीडियोस हो जाएंगे, कभी कभार आप ज्यादा भी देख लेंगे, ऐसा थोड़ी कि 2 ही देख रहे हैं, कभी कभार 3 भी हो जाएगा, छुट्टी है तो 4 भी कर लिए। तो आप लोगों ने ये वीडियोस देखना शुरू कर लिए, आपके टोटल वीडियो जो है वो राउंड अबाउट ऐसे ही है 205-210 पूरे चारों पेपर्स के। तो आप बड़े आराम से, केवल एक ही में 85 वीडियो है नहीं, देखिए 85 वीडियो तो उसमें लिखे हैं, लेकिन 85 वीडियो में उसमें पेपर सॉल्यूशंस भी हैं, लास्ट ईयर के पेपर भी हैं, रिवीजन क्लासेस भी हैं, तो कंटेंट तो उसमें 50 से 55 वीडियो का ही है, बाकी तो रिवीजन पार्ट है आपका, इम्पोर्टेंट है, गेस्ट पेपर सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना उसमें, तो ये सभी में है, क्लियर हो गया, ये चीज करिए। और आपको फास्ट ट्रैक में देखना है तो मैं आपको और तरीका बता देता हूँ। बच्चों आपके वीडियो ऑफलाइन भी हो जाएंगे, ये आपको पता ही है, उसमें ऑफलाइन बटन दिया रहता है, तो आप लोग उसे ऑफलाइन कर सकते हैं, पीडीएफ नहीं होंगे, पीडीएफ आपको लाइव ही देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपको देखिए फास्ट ट्रैक में करना कैसे होता है। मान लीजिए आपने M1 का पेपर शुरू किया, मैंने आपकी आज क्लास ली M1 की लाइव, और आपकी क्लास में मैंने आपको आज 3-4 वीडियो के बारे में इकट्ठा बता दिया कि ये टॉपिक्स है और इन वीडियो में ये चीजें पढ़नी है। आपने ये 4 वीडियोस अगली बार के लिए तैयार कर लिए, ठीक है, और अगली बार जब आप लाइव क्लास में आएंगे तो आपके डाउट्स होंगे वो मैं सॉल्व करूंगा। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को इसी में पीडीएफ भी मिल जाएंगे इन चारों की। जब वीडियो आप देख लेते हैं तो वीडियो देखने के बाद एक नजर इसके ई नोट्स के पीडीएफ में डाल दीजिए, ताकि आप लोगों को पीडीएफ भी साथ में चलता चले, हाँ भाई ये पीडीएफ था इसमें कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि वीडियो आप देख चुके होंगे तो आपको ये पूरा पूरा एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने हेडिंग पढ़ी और आपको समझ आ गया। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास पूरे प्रॉपर नोट्स भी बने, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मार्केट में 2-3 किताबें आती हैं, आपको वो लेवल की मिल जाएंगी, आप एक कोई भी किताब ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, हिंदी वाली लेनी है हिंदी, इंग्लिश वाली इंग्लिश, आप वीडियो देखिए और उस किताब का वो लेसन खोल के उसे अंडरलाइन कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना, बस इतना ही नहीं बनाना, नोट्स मत बनाइए, नोट्स बनाने में फिर आप पूरा ही नहीं कर पाएंगे, आप अंडरलाइन करते चलिए ना। देखिए आपको जो मेन टॉपिक आएगा वो आएगा गेस्ट पेपर का, जो गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर में आपको पूरी क्लासेस के सारे जो टॉपिक्स होते हैं उनका कोर कंटेंट आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो गेस्ट पेपर जब आपके पास आएगा तो उस केस में आपको ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। गेस्ट पेपर में मैं तुरंत छांट देता हूँ कि आपको ये टॉपिक इस लेसन के पढ़ने हैं। जैसे मैं आपको इस बार का गेस्ट पेपर दिखाता हूँ, तो देखिए मैंने M1 का दिखाया कि आपका ये पहला पेपर है, बस यही 4 पढ़ने हैं 5, आपको दूसरा पढ़ना ही नहीं है और आप पढ़िएगा भी नहीं, फालतू का क्यों पढ़ेंगे जी। तो क्योंकि आप पहले से वीडियो देख चुके होंगे, आप अंडरलाइन लगा चुके होंगे, तो आपको बस एक बार निजाही तो डालनी है कि आप सेकेंडरी मेमोरी पे ये हमें पढ़ना है, तो ये एक स्मार्ट स्टडी होगी, क्लियर हो गया जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन विष्णु का ले लें। विष्णु बताइए, स्पीकर ऑन कर लीजिए। अनूप, अनूप तिवारी। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, ये पूछना था कि मतलब जैसे चारों पेपर एक साथ में देना चाहे तो सर मतलब कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब हिंदी में देना चाहे तो कोई दिक्कत तो नहीं होती उससे सर? कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी ने नहीं कहा कि आप हिंदी में नहीं दे सकते या हिंदी में नंबर कम मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में दीजिए, कैसा भी दीजिए, आप 2 पेपर हिंदी में दीजिए, 1 पेपर इंग्लिश में दीजिए, आप कैसे भी दीजिए, हिंदी के साथ आप मिक्स करके भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे थोड़ा कोई कोई वर्ड होते हैं उसे इंग्लिश में लिख देंगे और बाकी कंटेंट हिंदी में लिख देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी ना सर? देखिए ऐसा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे M1 का एक पेपर मैंने जो हिंदी वाले नोट्स हैं वो ऐसे ही बनाए हैं, हिंदी में मैं आपको हिंदी के नोट्स दिखा देता हूँ। जैसे कि एक चैप्टर ले लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एक पेपर खोल लेते हैं ऐसा। अब आप देखेंगे इसमें कई सारे बीच बीच के जो वर्ड्स हैं ये देखिए हिंदी की जगह इंग्लिश में लिखे हुए हैं जी सर, समझ आ रहा है? तो आप ऐसे करके लिखिए, क्या दिक्कत है सर? जैसे मुझको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है सर, जैसे सी है, मैं सी पढ़ चुका हूँ, जावा भी पढ़ चुका हूँ सर, मतलब 2-3 प्रोग्रामिंग में पढ़ चुका हूँ, तो सोच रहा हूँ कि मतलब चारों पेपर एक साथ दे दें। देखिए मैं आपको उसका एक बहुत बड़ा फायदा बताता हूँ, लोग गलत करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वाले गलत करते हैं, अरे बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 नहीं दे पाओगे, कम समय, गलत, सब गलत।
मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आपने चारों पेपर भर दिए, ठीक है, यही तो चार हैं, आपने भर दिया, चार भरिएगा तो उसके साथ प्रैक्टिकल भी भर दीजिएगा, ठीक है। अब आप चार पेपर पढ़ रहे हैं तो चार पेपर में पहला पेपर तो ईजी है, इसको तो आप 15-20 घंटे में निपटा देंगे, मतलब अगर दिन की बात करें तो। दूसरा वेब डिजाइनिंग वाला जो पेपर है, इसमें आपको पढ़ना है HTML, सबसे आसान टॉपिक। दूसरा इसमें पढ़ना है CSS, और तीसरा पढ़ना है इसमें जावा, ठीक है। जो इनमें से जो कॉम्प्लिकेटेड है वो ये पार्ट है जी सर। HTML और CSS में बहुत ही घिसा पिटा आता है। CSS में वही 3-4 क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं, और जावा में थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि जावा की प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अब आती है बात पाइथन की। पाइथन में इस बार का गेस्ट पेपर मैं जो देने वाला हूँ, मैं अभी से बता रहा हूँ, भले पेपर जनवरी में होना है, इस बार का जो पेपर आपके पास आएगा मेरे यहाँ तक की ऑब्जेक्टिव भी मैच करेंगे, तो आप उसके लिए बिल्कुल फिक्र करिए। लेकिन पाइथन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। सर नहीं, IoT जो पेपर है, IoT पेपर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है। इसमें आपको 9 प्रोग्राम्स हैं और वही 9 प्रोग्राम्स में बार बार से घूम के आ रहे हैं और बाकी कुछ। अब अगर आपने ये चारों पेपर दे दिए, ठीक है, तो आप चारों पेपर में मैं बुरी से बुरी कंडीशन कहता हूँ कि आप 2 में फेल हो गए मान लें, ठीक है। तो आप 2 में अगर फेल हो गए तो जब आप शिफ्ट करके जुलाई में देंगे तो आपको बचे हुए 2 देने पड़ेंगे, ठीक। चलो ये एक कंडीशन है। लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं, डर के मारे सिर्फ 2 ही देते हैं, ठीक। चलो 2 दे दिए और 2 में अगर दोनों पास हो गए तो बढ़िया चीज है, अगर दोनों में पास नहीं हुए तो ये दोनों वाले जो बच्चे ये अब आपको जुलाई में देने हैं, ठीक। अब अगर इन दोनों में से कोई फेल हो गया तो फिर सोचिए 1.5 साल हो गया आपको, अब जनवरी 23 आ गया जी, समझ आ रहा है। और जी सर, ये जो डर के करते हैं वो बट नेचुरल है कि जुलाई में एक गोता जरूर खाते हैं। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करिए कि चारों पेपर निकालिए। अगर बैक लगेगा तो आपके पास 6 महीने का टाइम बचेगा ना आपके पास, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो मेरा BSc कर रहा हूँ तो उसमें एक सब्जेक्ट मेरा कंप्यूटर एप्लीकेशन है सर। हाँ तो आपको तो मतलब पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा उसका। जी सर बेसिक्स जानता हूँ, मुझे समझ लीजिए वेब पब्लिशिंग में दिक्कत आएगी थोड़ा बहुत, उसको सही से पढ़ना पड़ेगा और बाकी सर बड़े आराम से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मतलब पेपर कब से भरा जाएगा? पेपर नवंबर से शुरू होंगे। मैं इंटीमेशन तो सर चारों भर देंगे और प्रैक्टिकल बिल्कुल प्रैक्टिकल ही भर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके नेक्स्ट है विष्णु जायसवाल। विष्णु बताइए, अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए। ये सर जैसे मेरा 2 पेपर पहले निकल चुका है बिल्कुल, और ये 2 पेपर बचे हैं तो क्या दोनों एक साथ भर सकते हैं कि या फिर एक ही भरें? अरे अभी आपका 2 पेपर निकल गए, रिजल्ट क्या इसी बार के निकले, सितंबर वाले? नहीं, मेरा पिछले साल का है। अरे तो फिर तो आप दोनों भरिए ना, आप क्यों वेट कर रहे हैं, क्यों आप अपना और एक साल बढ़ाएंगे? अभी 3 महीने, 3 महीने, मैं तो यहाँ 3 महीने में 4 पेपर कंप्लीट करने की बात कर रहा हूँ, आप तो 2 ही कंप्लीट करने की बात। कौन कौन से 2 बचे हैं आपके? ये पाइथन और IoT बचा हुआ है। अरे IoT में तो कुछ दम ही नहीं है, IoT का पेपर मात्र 15-20 दिन का है बस, थेरी थेरी है पूरी पूरी, और सारा कंसंट्रेशन आप इस पे करिए। और पाइथन की अगला बैच जो शुरू होगा 8-10 दिन के बाद, हाँ पाइथन का चालू होगा, प्रैक्टिकल मत मिस करिएगा, ठीक है बच्चों? एक इन्फॉर्मेशन, अच्छा प्रैक्टिकल भी हो गया, अच्छा अच्छा सही है। फिर बच्चों एक चीज और आपको बता दें, ये जो क्लासेस हैं ये जूम की 40 मिनट के ड्यूरेशन की होती हैं, तो हो सकता है बीच में अभी 8 मिनट बाद ये बंद हो जाएंगी। अगर ये बंद हो जाती है अचानक क्लास, तो आप लोग तुरंत फिर उसी लिंक को दोबारा क्लिक करके फिर से आप ज्वाइन करिएगा। क्लियर हो गया? ओके नेक्स्ट आप लोगों, बच्चों जिनके सवाल हो चुके हैं वो अपना हाथ नीचे कर लें ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो। अभिनव यादव। यस सर नमस्ते। नमस्ते अभिनव जी। सर वो मैं मतलब कि ओ लेवल का 2 पेपर क्वालिफाई कर चुका हूँ सर जी, और इस समय सितंबर में मैंने पाइथन का और IoT का मैंने पेपर दिया है सर। बिल्कुल। तो उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो सर दोनों पेपर में था, उसमें पाइथन में मैंने 23 क्वेश्चन सही किए हैं और IoT में 20 क्वेश्चन सर। तो सर रिजल्ट का मतलब कि क्या इसमें चांसेस बनते हैं कि नहीं, कि मतलब सब्जेक्टिव कॉपी चेक होगी या नहीं? देखिए सब्जेक्टिव का रूल आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव में अगर आपके 20 से ऊपर नंबर आएंगे तभी सब्जेक्टिव चेक होगी। तो जैसे आप पाइथन में 23 बता रहे हैं तो उसमें तो चांसेस हैं कि वो आपका है, और पाइथन में अगर आपने वहां पे प्रोग्रामिंग ठीक कर दी होगी तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। IoT में थोड़ा सा बिल्कुल बॉर्डर मार्क है आपका, तो अगर एक भी ऊपर नीचे हो गया, वैसे IoT ने आपने मेरे वाले से मैच कराए थे क्या? यस सर आपसे मैच कराया था, 20 क्वेश्चन सही है सर। हाँ तो IoT का तो फिर एग्जैक्टली 20 सही है, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा अगर आपने थ्योरी अगर सही से लिखी होगी तो।
नहीं सर, थ्योरी सर सही से लिखा है सर। हाँ, आईओटी में कोई भी मतलब गलत नहीं है, आईओटी का पेपर के जो सारे ऑब्जेक्टिव है वो हमने बिल्कुल सही मार्क किए थे। सर तो वही रिजल्ट का थोड़ा वेट कर कंफ्यूजन लीजिए, लग रहा है कि क्या। कोई बात नहीं, आपको वेट कर लेना चाहिए। अगर रिजल्ट मान लीजिए नेगेटिव आता है तो कोई बात नहीं, आपका जी रिजल्ट के बाद भी आपको लगभग 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, तो एक पेपर जो नेगेटिव आता है उतना कर लीजिएगा आप। ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू। अगला क्वेश्चन है अंबुज का। अंबुज बताइए। हेलो सर, हाँ अंबुज जी बताइए। कह रहे थे सर जैसे मेरा ओ लेवल सब कंप्लीट हो चुका है, तो उसको मुझे अब सोच रहा हूँ कि ए लेवल में अपग्रेड कर रहा हूँ, तो बहुत सर अच्छा है ये तो। फिर कैसे क्या प्रोसेस मैंने अभी आपको क्लास के शुरू में ही बताया था कि मेरे एप्लीकेशन में इन्फो में सर? चले जाइएगा। सर मैं लेट में ज्वाइन किया कोई था बात नहीं, सर। अभी वीडियो रिकॉर्ड होगा वो फिर से देखिएगा, इन्फो वाला कोर्स में चले जाइएगा और इसमें ए टू ए ओ लेवल सब सारी इन्फॉर्मेशन है, सारे वीडियोस हैं जो जो बच्चों के डाउट और सेशन से रहते हैं। तो देखिए ओ लेवल टू ए लेवल यहाँ पे वीडियो है, देख लीजिए, आराम से क्वालिफाई कर लेंगे आप, अपग्रेड हो जाएगा। सर इसमें भी जैसे मतलब चार पेपर होते हैं, तो इसका भी सारा एक साथ पेपर दे सकते हैं? नहीं, चार नहीं होते इसमें, आपके 10 पेपर होते हैं, 10 में आपके 4 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और आपको 6 देने होंगे, और 6 आप एक साथ दे अच्छा सकते हैं, लेकिन अभी 6 देना का मतलब इनके पेपर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं और इंग्लिश में ही रहते हैं। देखिए ये रहे, तो आप लोगों की ये जो ऊपर वाले जो 4 हैं ये माइनस हो जाएंगे, और बचे वाले 4 ये, और इनमें से ये, इनमें से आप ये वाला लीजिएगा A9.4 वाला, क्योंकि मैं आईओटी की पढ़ा रहा हूँ इसमें। सर मेरा तो पुराना वाला है, जैसे उससे कोई ITBS, मतलब नहीं, ITWD, उससे कोई मतलब ICT। नहीं, आपके 4 कम हो जाएंगे ये वाले। अच्छा, दिया है ना वो बाकी ये फोर 6 फोर रहेंगे। हाँ मॉड्यूल्स सर, और रिवीजन वाले, ये 4 कम हो जाएंगे। ठीक, ओके सर, ठीक है सर। ओके सी यू। नेक्स्ट है देव, देवा, देवा स्पीकर ऑन कर लें। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हाँ गुड इवनिंग, बताइए। सर। सर ऐसे क्यों बोलते हैं जैसे कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तो उनकी लोकेशन बहुत दूर आती है? ये नेलेट की गर्मी है, नेलेट इस चीज को बहुत गलत करता है, कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल ऐसे गजब गजब जगह भेज देता है, 400-400 किलोमीटर, और बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। लेकिन नेलेट में हाँ एक सर, चीज और भी है कि आप प्रैक्टिकल का सेंटर चेंज करा सकते हैं, और बच्चों ने चेंज कराया भी है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि अगर गलत आता है सेंटर, गलत आने नॉर्मली क्या करता है वो होम टाउन डाल देता है, जैसे परमानेंट एड्रेस में आपने डाल रखा है तो वो गलत है। तो नेलेट को अगर आपका जैसे ही सेंटर आए चेंज, तो इस वीडियो को कंफर्म कर लीजिएगा, आप अपना दे दीजिए और वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल का जो एडमिट कार्ड है लगभग 8-10 दिन पहले आ जाता है। जी क्लियर। नेक्स्ट है प्रज्ञा, प्रज्ञा बताइए क्या सवाल है आपका। प्रज्ञा स्पीकर ऑन करें। नमस्ते। नमस्ते। हाँ हेलो प्रज्ञा बताइए। सर मैंने ना आपसे M2R5 की क्लास ली है सर, उसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी लाइव, आप प्रज्ञा मैं और आपको कब सजेस्ट लाइव करूंगा, सेशन जब तक होगा? लाइव सेशन नहीं चल रहा तब तक आप रिकॉर्डेड वाली क्लासेस पूरा मन लगा के पढ़ते रहिए। M2R5 की ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, मोर देन 69 वीडियोस हैं इसमें, आपको सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि HTML तक ये पूरा जरूर फिनिश कर लीजिए, 11 नंबर तक, यहाँ से आपका हाँ जी HTML सर, पूरा कर रही क्लियर हो हूँ। जाएगा। 11 नंबर के बाद इन फोटो एडिटिंग और ये वाले टॉपिक छोड़ दीजिएगा, इनसे सिर्फ 2 नंबर का सवाल आते हैं, फोटो एडिटिंग, फिर आप CSS वाला ये 4-5 टॉपिक जरूर फिनिश करिएगा। जब आप यहाँ तक पहुंचेंगे तब तक हमारा M1 पेपर जैसे ही खत्म होगा, M1 पेपर बच्चों ये मान के चलिए मैं 20 से 22 दिन में खत्म कर दूंगा, फिर मैं M2 चालू कर दूंगा, तो हमारा M2 और पाइथन साथ में चलता रहेगा। सर जैसे मैंने सितंबर में अभी एग्जाम दिए हैं, तो रिजल्ट कब तक आएगा सर इसका? नवंबर में एक्सपेक्टेड है। तो सर उसके बाद ही एग्जाम लॉक करने है ना? हाँ, आपको याद रखना है कि जब आपका रिजल्ट आ जाए, जिसमें जिसमें आप पास हो जाए वो छोड़ के बाकी रिमेनिंग लॉक कर दीजिएगा। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट है ठाकुर विवेक सिंह सर। प्रणाम जी। प्रणाम सर, इस बार मैंने दिया है M2R4 और M3R4। ठीक है तो सर सर M2R4 में तो सर पास हो जाएंगे, जी, और M3R4 वाला जो है उसमें 21 ऑब्जेक्टिव सही हुआ है और 50 नंबर अटेम्प्ट किया है, हाँ तो सर ये अगर रिजल्ट का आपका निकल वेट जाता कैसे है तो बहुत ही अच्छा है,
और अगर आपका बाई हार्ट नहीं निकलता है तो फिर आपको पाइथन देना पड़ेगा इस बार। जी जी, मतलब कंफर्म पाइथन देना ही पड़ेगा। हाँ, ये गवर्नमेंट नीलिट ने पहले कह दिया था दो चांस देंगे, उन्होंने दो चांस दे दिए। अब जिन बच्चों का नहीं क्वालिफाई हुआ है वो ऑटोमेटिकली आर फाइव में शिफ्ट होगा। तो सर तैयारी अभी शुरू कर दे या वेट कर ले? अब ये आप अपने अंदर आत्ममंथन करिए। नहीं सर, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि जो लिखा है हमने, हाँ, उसमें हमको लगता है एक्यूरेसी 60-70% होगी लगता। अच्छा, तो वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग में संदेह है तो वो संदेह होना लाजमी है। ठीक है, तो मैं आपको मतलब 70% मेरी तरफ से मैं ये बोलूंगा कि आप पाइथन पढ़ना शुरू कर दें। भले ही आप कोर्सेस मत खरीदिए, भले आप लोग मतलब कि वैसे ना शुरू करिए, लेकिन आप यूट्यूब से या फिर इससे पाइथन का ओवरव्यू लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कि पाइथन क्या है, क्योंकि आप सी पढ़ चुके हैं, मतलब किसी भी तरीके से पास है होना है सर, कंडीशन बस आप जैसे जैसे हम गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे करते रहिए। आपने सी का गेस्ट पेपर नहीं लिया था क्या मेरा? नहीं सर, लिया तो था लेकिन चूंकि जॉब में है तो टाइम थोड़ा कम मिल पाया। चलिए कोई बात नहीं, तो इस बार पूरी कोशिश करिएगा कि बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई सर, प्रोजेक्ट वगैरह सब सब आपने किया था। अच्छा, और इस बार बस यही एक बच रहा है तो इस बार जनवरी में प्रयास, उसके बाद। बच्चों, मैं आप लोगों को सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आप में से जिन बच्चों ने दो पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं तो वो दो पेपर भले ही कोई भी किए हों, आप लोग प्रोजेक्ट अभी बनवा लें। उसका बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट का पहली बेनिफिट तो ये है कि उसमें बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट में है, 20% ऑफर में चल रहा है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जैसे ही आपके, मान लीजिए किसी बच्चे ने दो पेपर दे रखे हैं, पास हो चुके हैं और दो पेपर के एग्जाम दे रखे हैं, प्रैक्टिकल भी उसका हो चुका है, अब उसका प्रोजेक्ट रिमेनिंग है। अब अगर आप पहले से प्रोजेक्ट बना लेंगे तो ये 7-8 दिन में जमा हो जाएगा। तो अगर आपका नवंबर में रिजल्ट आता है तो आपका नवंबर में रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि प्रोजेक्ट पहले से आपका बना हुआ होगा और बचे हुए रिमेनिंग भी आप पास हो चुके होंगे, तो आपका लगभग 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ये एक बेनिफिट होता है सबसे फास्टेस्ट, क्योंकि आप पहले ही फिल्टर में आ जाएंगे। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे वेट करते हैं रिजल्ट आने का कि प्रोजेक्ट हम बाद में देंगे। अब रिजल्ट आया नवंबर में, अब उन्होंने प्रोजेक्ट मेरे को बनने के लिए दिया या खुद बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद वो प्रोजेक्ट जमा हुआ, क्योंकि उसी समय सबके प्रोजेक्ट जमा हो रहे होते हैं, तो निलेट भी 7-8 दिन में नहीं, क्योंकि उस समय लगभग 28-30 दिन लग जाते हैं प्रोजेक्ट जमा में, तो आपका सर्टिफिकेट आते आते जनवरी हो जाएगा बच्चों। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो आपके मन है वो सो है। हर्ष दीक्षित का क्या सवाल है भैया? इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस तरह से? ओके, देखिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता करने हैं तो आपने M1 R5 अगर कोर्स लिया है तो उसी में जाइएगा, ई नोट्स में देखिएगा, यहाँ पे आपको ओल्ड पेपर्स दिखाई देंगे और यहाँ पर ओल्ड पेपर्स में ओरिजिनल पेपर M1 का पड़ा हुआ है, ये रहा, ये जैन वाला है, मैं अभी सितंबर वाला भी अपलोड कर दूंगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चंस है, ओरिजिनल पेपर है।